हाय स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एपी से रिलेटेड सब क्लियर हो गए होंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो है एपी फॉर्म करना अगर आपके पास एएन गिवन है या फिर एसएन गिवन है। देखो, ये दो कैटेगरीज हैं। अभी तक आपके पास अगर एपी पढ़ी होती थी, डैट मीन्स आपके पास T1, T2 एंड T3 टर्म सब पढ़ी होती थी, तो आप ए निकाल सकते थे, डी निकाल सकते थे। सम कहा होता था कि भाई तीन टर्म्स तक सम निकालना है, वो निकालते थे। 10 तक निकालना होता था सम, वो भी निकाल सकते थे। मतलब अगर आपके पास एक एपी प्रेजेंट है ना, आप उसके बाद उसके लिए सम भी फाइंड कर सकते हो, आप उसकी nth टर्म भी फाइंड कर सकते हो, एंड सो ऑन। बट अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक जनरल टर्म गिवन है कि भाई एपी के अंदर एक जनरल टर्म है 3+4n, फॉर्म द एपी, और उसके बाद कहा गया कि भाई सम निकाल दो 100 टर्म्स का, तो एपी निकालने के बाद कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। बट एपी निकालो ये कैसे, लेट अस सी। देखो, अगर आपके पास जनरल टर्म गिवन है, दैट इज an, an इज द nth टर्म, तो कहा गया है कि an इज इक्वल टू 3+4n। आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करोगे। अगर n की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो, इससे आपके पास क्या अचीव होगा, यहां पर लेफ्ट साइड पर n की जगह 1 डाल दिया, जहां n था उसकी जगह 1 डाल दिया। राइट साइड पर 3+4n की जगह 1 डाल दिया, दैट मींस आपके पास a1 आया है 3+4n, दैट इज 7। ठीक है, अब क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टर्म ए, तो एपी की पहली टर्म आ चुकी है 7। मैं यहाँ टिक कर देता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। अगर आपको मैं कहूँगा सेकेंड टर्म निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, ऑफकोर्स एन की जगह 2 पुट करोगे, पुट एन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर एन की जगह 2 पुट करोगे तो a2 निकलेगा। राइट साइड पर एन की जगह 2 पुट करोगे तो 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में एन की जगह पड़ा होगा 2, डैट मीन्स 3+4 2 8, डैट इज इक्वल टू 11। तो एपी की सेकेंड टर्म क्या निकली है, 11। नाउ इफ यू रिक्वायर द एपी, तो एपी है 7 11, एंड सो ऑन। मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आया 7 11, 4 4 का डिफरेंस है, 4 से इंक्रीज हो रही है 15, एंड सो ऑन। अब आप इस एपी के लिए कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, यूजिंग द अदर कॉन्सेप्ट्स। सम निकालना हो सम निकाल लो, किसी ने कहा 100 टर्म निकालनी हो तो a100 का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो दिस वॉज कि अगर an की जनरल फॉर्म गिवन है तो आप कैसे एपी बनाते हो। नाउ कमिंग ओवर टू sn, देखो यहां पर भी n में 1 पुट करके देता हूं आपको। लेट अस से n की वैल्यू मैंने पुट करी है 1, तो आपके पास n की जगह आ जाएगा 1, 4 into 1 - 1 का स्क्वायर, जहां जहां n था वहां मैंने 1 पुट कर दिए। क्या आप बता सकते हो क्या ये फर्स्ट टर्म आएगी, दैट इज 4 into 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 - 1 3। अब 2 फाइंड करके दिखाता हूं। पहले s2 इज इक्वल टू, देखो n की जगह मैंने पुट किया 2, ठीक है, तो s2 इज इक्वल टू 4 into 2 - 2 का स्क्वायर, दिस गिव्स मी 4 2 8 - 4, तो आपके पास s2 आया 4। कैन यू टेल मी कि आपके पास ये जो s1 3 आया और s2 4 आया, क्या ये एपी बन रही है, 3 4 एंड सो ऑन? नहीं। s1 का मतलब क्या होता था, सम टिल फर्स्ट टर्म। अगर एपी आपके पास ये है ना t1 t2 t3 एंड सो ऑन, तो आपके पास जो S1 है ना, उसका मतलब है सम टिल फर्स्ट टर्म। अगर S2 आपको कोई कहता है कि 4 है, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स आपके पास S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अगर पहली और दूसरी टर्म को इकट्ठे लेते हो तो उसका मतलब होता है S2, इसका मतलब 4 का मतलब है T1 भी आता है और T2 भी आता है। अब बताओ T2 कितना होगा। देखो, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें T1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप 3 पुट कर सकते हो, T2 इज इक्वल टू 4, तो अगर कोई आपको T2 निकालने को कहे तो T2 यहीं रह जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, यू विल गेट T2 इज इक्वल टू 4 - 3 1। तो आपके पास इस एपी की सेकेंड टर्म होगी 1। मैंने कैसे निकाला, एज आई नो कि मेरे पास S2 होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो T1 और T2 को ऐड करके मेरे पास कितना निकला है, 4। सो इफ आई समराइज, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो सम निकला है वो फर्स्ट टर्म का 3 है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 4 है, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 3 है। प्लीज इस डिनोशन पे ध्यान देना, S1 का मतलब पहली टर्म का सम, S2 का मतलब पहली 2 टर्म्स का सम, और S3 का मतलब पहली 3 टर्म्स का सम। तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, इसका मतलब होगा ये अकेला ही 3 है, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कि भाई पहली टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब होता है कि T1 + T2 कितना है, वो 4। ऐसी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब होता है 3, तो T1 + T2 + T3। अब आपने क्या करना है, आपको मुझे ये AP बनाकर दिखानी है कि ये AP निकलेगी कितनी, ठीक है, SN के केस के अंदर। एंड ऑल्सो मैं एक और एक्सप्रेशन दे रहा हूँ SN का, आपको उसके लिए भी AP निकाल कर दिखानी है, क्लियर। तो बोर्ड पर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है, SN = n (n+1/2), आपको इसके लिए भी AP निकालनी है। करोगे कैसे, ऑफकोर्स
एन की जगह 1 पुट करोगे तो S1 निकलेगा, एन की जगह 2 पुट करोगे तो S2 निकलेगा, और इस तरीके से इक्वेशंस बनाओगे। T1 की वैल्यू निकालोगे, T1 प्लस T2 की वैल्यू निकालोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू निकालोगे, और फिर आप मुझे बताओगे कि भाई T1 कितना है, T2 कितना है, एंड T3 कितना है। क्लियर? चलो, दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.